नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर यूक्रेन के शहर स्टेंका से आ रही है, जहां रूस की सेना ने भीषण बर्बादी की है। एक एक इमारत तबाह हो चुकी है, शहर वीरान हो चुके हैं, ब्रिज और सड़क पर भी ये तबाही दिख रही है। शहर पर मिसाइल से हमला हुआ है, ड्रोन की तस्वीरों से बर्बादी का मंजर भयावह दिख रहा है। रूसी हमले में इमारतें लगातार तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ तबाही का मंजर है। 40 दिन बीत चुके हैं, आज 41वां दिन है, लेकिन ये युद्ध इतनी ही भीषण तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि नरसंहार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है। राजधानी कीव के जितने भी पड़ोसी इलाके हैं, जो कि नजदीक इलाके हैं, जो कि सीधे तौर पर कीव पे पहुंचाने का जरिया है, वहां पर बर्बादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है रूस की सेना की तरफ से। और रूस की सेना ने सबसे पहले यूक्रेन के मारियुपोल शहर में जबरदस्त बर्बादी की। पूरा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। तबाही की तस्वीर एक एक कोने से देखी गई, फिर यही तस्वीर यूक्रेन के शहर बूचा से देखी, और अब यही तस्वीर यूक्रेन के शहर स्टेंका से सामने आई है, जहां रूस की सेना ने भीषण बर्बादी की है। पूरा शहर जल गया है। ये तीन तस्वीर आप देखिए, पहले मारियुपोल शहर में किस तरीके से वहां पर आगजनी की गई, गोले लगातार वहां पर बरसाए गए, बम बरसाए गए, और ऐसे में चारों तरफ आग की ये लपटे काले धुएं का गुब्बा मारियुपोल शहर में, और इसके बाद फिर बूचा, जो कि बेहद नजदीक पूरा का पूरा इलाका है राजधानी कीव से, वहां पर किस तरीके से सरेआम नरसंहार किया गया, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और ये मानवता की सारी हदें पार करते हुए तस्वीर, जो कि सीधे तौर पर पुतिन को कटघरे में खड़ा करती हुई कि पुतिन आखिर क्या चाहते हैं इन मासूमों की जान लेकर। और अब सीधे तौर पर निशाना रूस की सेना का है स्टेंका पर। ये एक नया शहर जहां पर लगातार अब रूस की सेना अपने हमले जारी करती हुई नजर आ रही है। 40 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में लगातार तबाही का मंजर दिन ब दिन। और इस वक्त मेरे सहयोगी अरुण सीधे ग्राउंड जीरो से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए तस्वीरें हर किसी को विचलित करती है, पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चिंता, और वाकई सवाल यही है कि अगर तबाही का मंजर दिन ब दिन इतना ज्यादा भयानक भयावह होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये युद्ध आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, कितनी और बर्बादी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस समय उतनी तेजी से या उतने बड़े पैमाने पर रूस हमला नहीं कर रहा है जितना उसने शुरुआती दिनों में किया था। इस समय रूस की सेनाएं पीछे की तरफ हट रही हैं। ये जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि निशान क्या छोड़ के गई हैं रूस की सेनाएं, चाहे वो कीव के आसपास उन्होंने घेरा डाला हो, चाहे वो मरियापुल में इस वक्त भी उनका घेरा हो। खारकीव की बात करें तो जिन इलाकों से, बूचा की बात करें, इरपिन की बात करें, जिन इलाकों से रूस की सेना जा चुकी है वहां तबाही और बर्बादी के निशान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और बूचा में खास तौर से रूस की सेना पर बड़ा आरोप लग रहा है कि 57 सिविलियंस को, 57 आम नागरिकों को उन्होंने हाथ पैर उनके बांधे, उसके बाद पैर और सिर में गोली मार दी। ये एक बहुत बड़ा आरोप है, ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यानी युद्ध के समय भी नागरिकों की हत्या आप नहीं कर सकते, ये जेनेवा कन्वेंशन भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है इस संबंध में, तो उनका पालन करना होता है। भले आप युद्ध कर रहे हो एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मानवता को आपको सबसे आगे रखना होता है, जो कि रूस ने नहीं रखा, ऐसा आरोप यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन की सेना लगा रही। जहां तक आप बात कर रही हैं आसपास के इलाके की, इरपिन की अगर आप बात कर लीजिए, तो वहां पर भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आए हैं। मरियुपोल तो लगभग तबाह हो गया, खारकीव लगभग तबाह हो गया है, ओदेसा जो समुद्र के किनारे शहर है उस पर भी हमले हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि पुतिन का अगला निशाना जमीन और आसमान के बाद समुद्र है, जहां से वो समुद्र के आसपास जो शहर हैं यूक्रेन के, उन पर निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि बंदरगाह जहां हैं वहां उनका ईंधन आता है, वहां पर उनका साजो सामान मिलिट्री का आता है, और अगर उसे बर्बाद कर दिया जाए तो यूक्रेन के सेना की कमर तोड़ दी जाएगी, रीढ़ तोड़ दी जाएगी। और यूक्रेन की सेना भले संख्या में कम हो, लेकिन रूस के टैंकों को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद किया है, रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है, जाहिर सी बात है रूस जो है अपनी रणनीति पर दोबारा विचार कर रहा है। बिल्कुल अरुण, और समंदर के रास्ते रूस की सेना लगातार उन तमाम मददों को निस्तब्ध करती हुई नजर आ रही है, जो कि अलग अलग देश सीधे तौर पर यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक चीज ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार युद्ध अपराधी की श्रेणी में पुतिन को रखा जा रहा है, जो बाइडेन की तरफ से एक बार फिर से बात दोहराई गई है, तो इसका असर कितना होगा? आपको लगता है कि ऐसे कड़े कदम या ऐसे कड़े बयान पुतिन की सेहत पर कुछ असर डाल सकते हैं आने वाले दिनों में?
देखिए, अगर आप इस दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में जो कुछ होता है उसका असर आपके ऊपर पड़ना लाजमी है। आप उसको दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर असर पड़ रहा है या नहीं दिखा रहे हैं, बस यही बात होती है। पुतिन के ऊपर असर जाहिर तौर पे पड़ रहा है, रूबल कमजोर हुआ, रूबल में लोग व्यापार करने को तैयार नहीं है, पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए, कुछ देश नहीं भी माने, जैसे जापान जैसे देश ने वहां पर अपना एनर्जी का जो काम था उसको जारी रखने की बात कही है, लेकिन प्रतिबंधों से रूस के लोग करा रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि आप जल्दी से खत्म करिए ये बात, क्योंकि उससे उन एटीएम से वो डॉलर नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको पता है कि दुनिया की इकोनॉमी डॉलर से कितना के इर्द गिर्द है, डॉलर का कितना प्रभुत्व है, कितना प्रभाव है, तो अगर डॉलर में अगर व्यापार नहीं कर पाएंगे रूस के व्यापारी या वहाँ आम लोग उसका उसको खर्च नहीं कर पाएंगे तो उनका जो पैसा बैंकों में है या वो बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है, एक राष्ट्र के रूप में रूस के लिए मुश्किल है। तो पुतिन एक केजीबी के एजेंट हैं, वो दिखाते नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन प्रेशर जरूर है। और कल जो पेत्रो पूर्व राष्ट्रपति यहाँ के थे यूक्रेन के, यानी जेलेंस्की के पहले जो राष्ट्रपति थे, न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हिंदुस्तान, यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के सारे देश दबाव डालें, उनसे तेल कम खरीदे ताकि उनकी इकोनॉमी को झटका लगे और वो मजबूर हो जाएं कि यहाँ पर युद्ध विराम हो। तो असर पड़ रहा है रूस पर, खूब असर पड़ रहा है, लेकिन कब तक रूस इसको बर्दाश्त कर पाएगा ये देखने की।